राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति सचिवालय पर ताला लगाकर JLN रोड पर धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। लाठीचार्ज में 6 से ज्यादा छात्रों को चोटें आईं, जबकि 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सुबह 11 बजे यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। करीब 15 मिनट यज्ञ करने के बाद छात्र नेता कुलपति सचिवालय पहुंचे और मेन गेट पर प्रदर्शन करने लगे। आधा घंटा प्रदर्शन करने के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने से नाराज छात्र एक बार फिर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। साथ ही JLN मार्ग पर धरना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश की कोशिश करने लगी, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को मौके से खदेड़ दिया।